हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और ये है मेरी संडे की मॉर्निंग। सुबह ही सुबह मैं अपनी किचन में आ चुकी हूँ और मेरी चाय बन गई है। और आज 1 तारीख है, तो मेरी तरफ से आप सभी को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद हो और आप सब लोगों का ये नया साल काफ़ी अच्छे से गुजरे। तो चलें अब हम अपने ब्रेकफास्ट की तैयारी करते हैं। तो ब्रेकफास्ट में आज मैं बना रही हूँ आलू की चाट मटर के साथ। आवाज़ थोड़ी अजीब है तो आप लोग माइंड मत करिएगा, तबीयत ठीक नहीं है मेरी, थोड़ी सर्दी हो चुकी है इसलिए आवाज़ काफ़ी अजीब सी निकल रही है। तो आलू की चाट के लिए मैं सबसे पहले सब्जियां काट रही हूँ। सब्जियों में मैंने अनियन ली है और हरी मिर्च ली है, टमाटर लिया है, हरा धनिया लिया है। इन सबको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और उसके बाद मैं इसको अच्छे से चॉप कर लूँगी। सब्जियां सारी चॉप कर ली हैं और अब मैं बॉईल किए हुए आलू अपने बीच में से दो दो कट कर लूँगी और जो ज़्यादा बड़े हैं उन्हें 4 कट कर लूँगी। और मैंने अपनी मटर भी बॉईल करके रखी थी और अब इसे मैं सिंपल तरीके से बस फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के लिए मैंने इसमें कढ़ाई में सरसों का तेल डाला है और तेल जब हो जाएगा गर्म लगभग, तो मैं इसमें पहले जीरा डालूँगी और जीरे के बाद मैं इसमें प्याज डाल दूँगी। और प्याज लगभग लाइट पिंक करने के बाद मैं इसमें हरी मिर्च और टमाटर भी डाल दूंगी और उनमें से थोड़ा थोड़ा मसाला डालूंगी मैं, जैसे कि लाल मिर्च है, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा धनिया, और ये सब डाल के मैं इसको अच्छे से मसाले को भून लूंगी। आप लोग भी एक बार इस रेसिपी को ट्राई करिएगा, काफ़ी अच्छी चाट लगती है ये। और इसको आप मीठी चटनी के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, जो घर पर हम लोग सौंठ बनाते हैं उसके साथ आप ट्राई करिएगा, काफ़ी अच्छी लगती है ये। और सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और बन भी आल जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें, एकदम क्विक रेसिपी है। तो देखें मैंने लगभग अपने मसाले डाल दिए हैं और नमक डाल के मैं इन टमाटरों को सॉफ़्ट होने के लिए थोड़ा लिड लगा के रख दूँगी, जिससे कि टमाटर अच्छे से सॉफ़्ट हो जाए। और इसी के साथ साथ मैं थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया भी डालूँगी, इससे मसाले में फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है हरे धनियों का। और इसके बाद फिर मैं अपने आलू उबले हुए, जो मेरे बॉईल किए हुए आलू थे और जो मटर थी, वो मैं ये सब डाल के इसको अच्छे से चला लूँगी। अब मैं इसमें बाकी का हरा धनिया और डाल दूँगी कटा हुआ और इसमें गरम मसाला डाल के इसको अच्छे से चला लूँगी। और देखिए ये हमारी आलू चाट बनके एकदम रेडी है। आप चाहें तो इसको नींबू डाल के भी ऊपर से खा सकते हैं, तो खट्टा फ्लेवर आएगा, उससे भी अच्छी लगती है। और आप चाहें तो मीठी सॉस डाल के भी इसको खा सकते हैं। तो देखिए ये मेरी बन के रेडी है और ये मैंने अपनी जो घर पे बनाई थी मीठी सॉल्ट, वही डाल के मैं इसको सर्व कर रही हूँ। तो हमारा नाश्ता रेडी है। हम अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद आ चुके हैं दोबारा अपनी किचन में। ये अब मैं लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ और लंच में आज मैं बना रही हूँ मटर आलू की सब्जी। कढ़ाई में सरसों का तेल डाला है, जब सरसों का तेल गर्म हो गया तो इसमें 2 तेज़पत्ता और जीरा डाल के मैंने भून लिया था। और इसके बाद फिर मैंने अपनी प्याज डाली है, प्याज लगभग लाइट पिंक कर रही थी। और उसके बाद फिर मैंने हरी मिर्च, टमाटर, ये सारी चीज़ें डाल के इनको अच्छे से भूना और इसमें फिर मैंने अपने मसाले डाल दिए। तो मसालों में वही बेसिक मसाले थे, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर और नमक, ये सब डाल के मैं अच्छे से इसको कवर करके लिड से रख दूँगी, जिससे कि टमाटर अच्छे से सॉफ़्ट हो जाए और वो एक ग्रेवी सी बना ले। मैंने इसमें कोई भी अलग से मसाला ऐड नहीं किया है,
सिंपल मसालों की सब्जी बनाई है। और अब इसके साथ साथ मैं अपनी सब्जियां काट लेती हूँ। आलू आलू मैंने छील के और वॉश करके रख लिए थे, तो मैं इन्हें छोटे छोटे कट कर लूँगी। और ये मेरे कच्ची सब्जी है, मैंने उबाल के नहीं बनाई। सब्जी मेरी सारी कट हो चुकी है और मैं अपना मसाला देख रही हूँ। तो मसाला भी देखें, लगभग मेरा भुन चुका है, थोड़ा ग्रेवी फॉर्म में आ गया है। तो अब मैं इसमें अपने मटर और आलू जो कट करके रखे थे मैं वो डाल दूँगी, और थोड़ा सा इसमें पानी डाल दूँगी जिससे कि ये सारे आलू गल जाए और हल्की फुल्की सी ग्रेवी रहे। आलू मेरे सॉफ्ट हो चुके हैं, सब्जी मेरी बन के तैयार है। अब मैं इसमें गरम मसाला और कटे हुए हरे धनिया डाल के मैं इसको ढक के रख दूँगी, और ये मेरी सब्जी पक के तैयार हो गई है। और इसको मैं पराठों के साथ सर्व करूँगी। तो ये था मेरा दोपहर तक का रूटीन। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।